कृष्ण जी को मक्खन पसंद है, वहीं गणेश भगवान को मोदक या लड्डू। लेकिन आज मिठाई नामा में हम जानते हैं कि नवरात्रे में माता जी को या दुर्गा माँ को क्या भोग पसंद है। हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। चाहे आप गुजरात जाएंगे तो वहाँ गरबा का सेलिब्रेशन है, आप बंगाल जाएंगे तो वहाँ पे दुर्गा माँ की पूजा। हिंदुस्तान के अंदर नवरात्रा हर जगह मनाया जाता है। तो आज हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में किस पार्ट के अंदर कौन सी मिठाई नवरात्रों में चलती है। साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा जो नवरात्रों में चलता है वो है खीर या पायसम। वहीं अगर आप आ जाओ बंगाल की तरफ तो वहाँ छेने का उपयोग बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपको कच्चा गोला, संदेश या छेने से बनने वाली मिठाइयों का नवरात्रों में उपयोग ज़्यादा मिलेगा। उधर ही आप हिंदुस्तान के अंदर अगर नॉर्थ में आप आते हैं, आप राजस्थान में आते हैं तो वहाँ मावे की बर्फ़ी, पेड़ा या मिश्री मावे का प्रसाद जो तैयार करते हैं, भोग तैयार करते हैं माता जी के चढ़ाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और वहीं पर अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको घिया की बर्फ़ी या नारियल की बर्फ़ी ज़्यादा दिखेगी माता जी के भोग के अंदर।